केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। चोरी के मामले में शामली में गिरफ्तार किए गए 3 बाल कैदी आज मेरठ पहुंचकर पुलिस हिरासत से फरार हो गए। इन बाल कैदियों को बीते दिवस शामली में गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें बच्चा जेल लाया जा रहा था, तभी वे जैम का मौका पाकर फरार हो गए। इस लापरवाही पर संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार बाल कैदियों में निशांत, सौरभ और अनीस शामिल हैं। इस बारे में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी। वो है सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर को कैदी वगैरह गायब हुए हैं, क्या पूरा मामला, कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे थे उन्हें? देखिए, कल थाना शामली पुलिस ने चोरी का आरोप में 3 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें दाखिल करने के लिए कल ये मेरठ के बच्चा जेल में ला रहे थे। आज जेल चुंगी के पास जाम का फ़ायदा उठाकर, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था उसका फ़ायदा उठाकर 3 बाल अपचारी फरार हुए हैं। इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा थाना सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें 1 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो 2 अभी फरार हैं। इसमें पूरे मामले में 3 टीमें लगाई गई हैं, सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं तथा इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। इसमें लापरवाही कुछ नज़र आती है पुलिस? अभी जो सूचना मिली है ये शामली पुलिस का मामला है, तो वहाँ पे एसपी सर द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।